हेलो स्टूडेंट्स, ये मार्च 2011 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का सॉल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड CH2FCOOH किसका फॉर्मूला है, फ्लोरोएसिटिक एसिड का, ठीक है, इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। कि ये जो डिजॉल्व किया गया है ये कितने वाटर में डिजॉल्व किया है, 500 ग्राम में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये हमारे पास सल्यूट है जिसको हम कंपोनेंट बी अज्यूम कर लेते हैं, और वाटर क्या है, वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है, तो जिसको हम क्या करेंगे, जिसको हम कंपोनेंट ए अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड इन 1.0 डिग्री सेल्सियस। कि जो डिप्रेशन आ रहा है, डिप्रेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, कि हमारे पास जो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमारे पास 1.0 डिग्री सेल्सियस आ रही है। कि पहले जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था वो हमारे पास सपोज 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जैसे ही हमने फ्लोरोएसिटिक एसिड ऐड कर दिया तो उससे क्या हो गया, वो 1 डिग्री डिक्रीज हो गया, ठीक है। 1 डिग्री डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि डिप्रेस हो गया। ओके, नाउ व्हाट दे आर सेइंग, कैलकुलेट द वेंट हॉफ फैक्टर, मतलब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब हमने के अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड। कि फ्लोरोएसिटिक एसिड के केस में वेंट हॉफ फैक्टर कितना आ रहा है और डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना आ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम गिवन वैल्यूज लिख लेंगे। तो गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, सल्यूट का एक्चुअल वेट दिया हुआ है। सल्यूट का एक्चुअल वेट कितना आ रहा है हमारे पास, डब्ल्यू बी, ठीक है, वो कितना है, 19.5 ग्राम। ओके, नाउ सॉल्वेंट का एक्चुअल वेट कितना आ रहा है, सॉल्वेंट हमने ए कंपोनेंट अज्यूम किया था तो उसका हमारे पास 500 ग्राम आ रहा है। ओके, नाउ डेल्टा टीएफ की वैल्यू जो है, ये डेल्टा टीएफ हमने कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीएफ की वैल्यू है। तो हम ब्रैकेट में ऑब्जर्व्ड लिख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड मतलब कि अगर डिसोसिएशन हो रही है तो उसकी वजह से, मतलब फ्लोरोएसिटिक एसिड की अगर डिसोसिएशन हो रही है तो उसकी वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास आ रहा है दैट इज 1.0 डिग्री सेल्सियस, ऑब्जर्व्ड वाला। ओके, नाउ अब हमने ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है, 1.0 डिग्री सेल्सियस। तो वेंट हॉफ फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें क्या चीज फाइंड आउट करने की जरूरत है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है नॉर्मल या फिर जो थ्रेटिकल वैल्यू आती है हमारे पास नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, मतलब कि जो फ्रीजिंग पॉइंट, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा अगर ये डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड नहीं होती है। तो उसके लिए हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, नॉर्मल का क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ, ब्रैकेट में हम नॉर्मल डाल लेते हैं, नॉर्मल इक्वल टू के एफ। KF यहाँ पे क्या है हमारे पास, KF जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, ठीक है, इनटू मोलैलिटी। ये क्या है, ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी से कंफ्यूज नहीं करना, दिस इज मोलैलिटी। ओके, अब हमें क्या क्या चीजें चाहिए, KF की वैल्यू हमें दी नहीं हुई है बट स्टिल वाटर के केस में हमें KF की वैल्यू जो है वो याद होनी चाहिए। तो KF हमारे पास वाटर के केस में कितना आता है, 1.86, ठीक है, केल्विन केजी पर मोल। ओके, नाउ ये हमें जो है केएफ की वैल्यू इन केस ऑफ वाटर याद रखने की भी जरूरत है, बट मैक्सिमम टाइम जो है न्यूमेरिकल्स में दी भी होती है। तो केएफ की वैल्यू हमारे पास है लेकिन मोलैलिटी की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले मोलैलिटी का हम फॉर्मूला देख लेते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, मोलैलिटी फाइंड आउट करना। मोलैलिटी को हम स्मॉल एम के साथ डिनोट करते हैं, सो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है। तो यहां पे मैंने जैसे बताया हुआ कि दिस इज सल्यूट, जो हमारे पास फ्लोरोएसिटिक एसिड है उसको हम सल्यूट ले रहे हैं, ओवर टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर है, सॉल्वेंट इन ग्राम्स, ठीक है, हमने इसका क्या लेना है, ग्राम्स में लेना है, इंटू 1000। अब हमने देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें
प्रेजेंट टाइम, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास, हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने हैं। तो पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम किससे डिनोट करते हैं, NB के साथ। NB इक्वल टू एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट जो है हमारे पास कितना दिया हुआ है, ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। अब एक्चुअल वेट हमारे पास कितना है, 19.5 ग्राम, ओके। नाउ मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट जो है हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है CH2FCOOH, तो हम इस पे MB लिख लेते हैं। कार्बन का कितना होता है 12 एटॉमिक मास, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, इंटू 2 हो जाएगा। फ्लोरीन का हमारे पास 18 आता है, ठीक है, क्योंकि 9 इसका एटॉमिक नंबर है, इंटू 2 कर देंगे। नाउ प्लस हमारे पास फ्लोरीन का जो है, फ्लोरीन ऑड नंबर में आ रहा है, इसलिए 9 इंटू 2 प्लस 1 हो जाता है, तो इसका 19 आएगा हमारे पास, ठीक है। अब कार्बन का कितना आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 1 आ गया, ठीक है। जब हमने इसका टोटल किया तो टोटल करने पे हमारे पास आ रहा है 78 ग्राम पर मोल। ये क्या है, ये हमारे पास MB की वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ पे MB की वैल्यू पुट कर देंगे, ग्राम पर मोल। तो ये जब हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास कितना NB की वैल्यू आ रही है, 0.25 मोल, ओके। ये हमारे पास क्या निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट इज टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है हमारे पास, 500 ग्राम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब मोलैलिटी की वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। तो मोलैलिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो कितने आ गए हमारे पास, दैट इज हम पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, NB ओवर WA इंटू 1000, ओके। नाउ NB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, NB इज 0.25 डिवाइडेड बाय 500, क्योंकि एक्चुअल वेट ऑफ वाटर कितना आ रहा है, 500 आ रहा है, इनटू 1000। अब जब हमने इसको कैंसिल आउट किया तो क्या आ गया, 0.05। तो जब हमने इसको सारे को कैंसिल आउट किया तो हमारे पास जो मोलैलिटी आ रही है दैट इज 0.5 मोलल, ठीक है जी। अब हमारे पास मोलैलिटी भी फाइंड आउट हो गई है, केएफ की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है, तो हम अब क्या करेंगे, डेल्टा टीएफ जो है सेकंड स्टेप हमारा क्या है, दैट इज डेल्टा टीएफ नॉर्मल फाइंड आउट करना, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ नॉर्मल जब हमने फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा, केएफ की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, केएफ 1.86 दी हुई है, ठीक है, इनटू मोलैलिटी कितनी है, 0.5 दी हुई है। तो जब हमने इसको सारे को कैलकुलेट करके देखा तो कितना आ गया, 0.93 केल्विन आ गया, कि ये हमारे पास नॉर्मल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, ठीक है। बट ऑब्जर्व कितना हो रहा है, ऑब्जर्व हमारे पास 1.0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारा स्टेप है वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करना, जो हमारा एक्चुअल पर्पज है, वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करना है। सो वेंट ऑफ फैक्टर इट इज डिनोटेड बाय आई, ठीक है जी। अब वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां पे कौन सी है, फ्रीजिंग पॉइंट। सो क्या आ जाएगा, डिप्रेशन इन, ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय नॉर्मल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो ऑब्जर्व्ड कितना आ रहा है, ऑब्जर्व्ड जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 1 आ रहा है, सो 1 डिवाइडेड बाय 1.0 लिख लो, 1 लिख लो, दैट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। एंड अगर मैं ये जैसे 1 डिग्री है हमारे पास, ये जो मतलब रिपोर्ट हुआ है दिस इज ऑल्सो इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एक्चुअली
कन्वर्जन करो चाहे ना करो, अगर मैं कन्वर्जन करके देखती हूँ तब भी मेरा आंसर सेम आएगा, ठीक है। कन्वर्जन क्या करूँगी, 1 + 273 कर दूंगी प्लस पॉइंट, मतलब इसमें क्या करूँगी 0.93 में भी प्लस 273 कर दूंगी। सो डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 1 / 0.93 ये कितना आ गया, 1.0753 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज वेंटहॉफ्स फैक्टर, कि वेंटहॉफ फैक्टर जो है वो हमारे पास कितना रिपोर्ट हो रहा है, मतलब आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोएस्टिक एसिड। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, मतलब के अल्फा फाइंड आउट करने के लिए, पहले हमें अल्फा जो है वो पता होना चाहिए कितना आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि लेट अल्फा बी दी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH2FCOOH, ठीक है। अब अल्फा जो है वो कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो हो सकता है। तो मैं क्या कहती हूँ कि जब इनिशियली मेरे पास फ्लोरोएस्टिक एसिड प्रेजेंट है, इनिशियली मतलब एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि फ्लोरोएस्टिक एसिड जो है वो डिसोसिएट किस में होता है, COO नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव में, ठीक है। इनिशियल क्या कह रहे हैं, इनिशियली मतलब कि जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था तब हमारे पास क्या है, तब हमारे पास सिर्फ सी मोल ऑफ जो हमारी कंसंट्रेशन है इसकी फ्लोरोएस्टिक एसिड की वो प्रेजेंट है, कि अभी डिसोसिएशन जो है वो हुई नहीं है, ठीक है। पर इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, एट इक्विलिब्रियम मतलब जब डिसोसिएशन जो है वो हो गई है। तो मैं ये अज्यूम करती हूँ कि मेरे पास ये वन मोल के हिसाब से थे, ठीक है। तो मेरे पास जो डिसोसिएशन है वो कितनी हो गई है, अल्फा हो गई है, अल्फा मॉलिक्यूल जिसके बनेंगे, ठीक है, अल्फा मॉलिक्यूल ही इसके बनेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, सी वन माइनस अल्फा, ठीक है। ये सी कंसंट्रेशन है, कि जितनी हम कंसंट्रेशन का सोल्यूशन अपने पास ले रहे हैं, ठीक है। तो उसकी जो टोटल क्वांटिटी हम अज्यूम कर रहे हैं वो वन कर रहे हैं, तो वन में से अल्फा मतलब ये अल्फा मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2FCOOH जो है वो डिसोसिएट हो गए। तो डिसोसिएट अगर अल्फा मॉलिक्यूल हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी जो है अल्फा अल्फा ही बनेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने फाइंड आउट करना है इसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कितने हैं, कि हमारे पास जब डिसोसिएशन हो गई है तब टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, तो वो कितने होंगे, वो होंगे सी, ये वाले मोल्स भी प्रेजेंट होंगे, ये वाले कौन से हैं, ये वो मोल्स हैं जो डिसोसिएट नहीं हुए हैं, ठीक है, वो एज इट इज जो है सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सी वन माइनस अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा, ठीक है, कि ये वाले मोल्स भी लेंगे प्लस जो डिसोसिएट हो गए CH2FCOO नेगेटिव बना गए हैं वो मोल्स भी लेंगे प्लस सी अल्फा एच पॉजिटिव के मोल्स भी लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके जब हमने टोटल मोल्स जो हैं वो देख लिए हैं, तो जब सी अल्फा जो है, सी हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, सो सी कॉमन आ गया, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, माइनस का अल्फा और प्लस का अल्फा कैंसिल हो गया, सो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी वन प्लस अल्फा, ठीक है। अब ये आगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अब आई जो है मतलब वेंटहॉफ फैक्टर जो है उसका एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नॉर्मल मोल्स ऑफ सॉल्यूट विदाउट डिसोसिएशन, पहले हम विद डिसोसिएशन लेंगे, ठीक है, विद डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विदाउट डिसोसिएशन, इसको आप नॉर्मल की जगह पे टोटल ही लिख लो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ
मोल्स और सल्यूट विद डिसोसिएशन, जिसकी डिसोसिएशन हुई है वो वाले मोल्स जो हमने ये फाइंड आउट किया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विदाउट डिसोसिएशन। विदाउट डिसोसिएशन का क्या मतलब है कि जब हम एट टाइम टी इक्वल टू जीरो कह रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो हमारे पास एक्चुअल कंसंट्रेशन प्रेजेंट है बिना किसी डिसोसिएशन के, हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई के लिए सी, ठीक है, जिसकी डिसोसिएशन हुई है 1 प्लस अल्फा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है अगर डिसोसिएशन हो रही है तो कितने प्रेजेंट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय सी, मतलब कि जब हम डिसोसिएशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारे पास नॉर्मल जो सोल्यूट है हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो डिसोसिएट करता ही नहीं है, तो वो कितना होगा, वो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो जो हमारे पास एक्चुअल कंसंट्रेशन आती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सी के साथ सी कैंसिल हो गया, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा फाइंड आउट करने के लिए हम 1 जो है इस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या गया, I माइनस 1, ठीक है, I की वैल्यू हमने कितनी रिपोर्ट की है, दैट इज 1.0753, मतलब यहां पे जो हमने I की वैल्यू निकाली है 1.0753, ठीक है। ये जब हमने इसमें से माइनस किया माइनस 1, तो हमारे पास कितनी डिसोसिएशन आ गई है, 0.75073 आ गई, ओके। ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज अल्फाज वैल्यू, ठीक है, हम यहाँ पे इंडिपेंडेंटली लिख लेते हैं 0.0753, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो है वो रिपोर्ट हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, दैट इज डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करना, ठीक है। डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट मतलब यहाँ पे जो हम के अल्फा की बात कर रहे हैं, इसकी जो वैल्यू है हमने वो फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने 11th इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है, दैट इज के अल्फा मतलब डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट हमारे पास COO नेगेटिव है प्लस H पॉजिटिव है, ठीक है। जब डिसोसिएशन हो रही है, अगर हम डिसोसिएशन की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रहा है, दिस इज प्रोडक्ट CH2FCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये हमारा प्रोडक्ट है एंड ये हमारा रिएक्टेंट है, कि इसकी रिएक्शन के बाद या इसकी डिसोसिएशन के बाद जो है ये प्रोडक्ट बना है, तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट कितना आ गया हमारे पास CH2FCOOH, ठीक है। अब इनकी जो कंसंट्रेशंस हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करनी है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, दैट इज C अल्फा, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन भी C अल्फा आ रही है, अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की, ये वाली कंसंट्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास CH2FCOOH की कितनी आ रही है, C1 माइनस अल्फा, ठीक है, तो C1 माइनस अल्फा। अब बात आती है कि ये जो C की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये है क्या, कि व्हाट इज C ओवर हियर, एक्चुअली C यहाँ पे क्या है, C इज नन अदर देन दैट इज मोलैलिटी, जो हमने पहले फाइंड आउट किया मोलैलिटी, यहाँ पे हम उसी कंसंट्रेशन की जो है बात कर रहे हैं। मोलैलिटी मीन्स कि यहाँ पे जो हम मोलैलिटी फाइंड आउट करके आए हैं, ठीक है, दिस इज द मोलैलिटी 0.05 मोल, ठीक है, मोलल जो हमने मोलैलिटी फाइंड आउट किया है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है हम उसी की बात कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 0.5 इंटू अल्फा कितनी है, डिसोसिएशन जो है हमने फाइंड आउट किया है 0.0753, ओके, दिस इज आर फर्स्ट सी अल्फा। नाउ नेक्स्ट इज 0.5 इंटू 0.0753, दिस इज आर नेक्स्ट सी अल्फा की वैल्यू। नाउ 0.5 आ गया, ठीक है, सी की वैल्यू कंसंट्रेशन हमारे पास। नेक्स्ट इज हमने 1 माइनस अल्फा की वैल्यू देनी है, दैट इज 0.053। तो जब हमने ये सारा का सारा सॉल्व करके देखा, तो हमारे पास जो वैल्यू रिपोर्ट हो रही है, ठीक है, ये सारी की सारी कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, दैट इज 0.00307,
ठीक है, ये सारी की सारी कैलकुलेशंस करने के बाद जो है मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशंस जो है वो की हुई है, इसीलिए मैं सिर्फ फाइनल आंसर लिख रही हूँ। ठीक है, ये सारी की सारी कैलकुलेशंस करके हमारे पास ये आंसर आ रहा है। जब हमने इसको इक्विवेलेंट किया तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसका एक डेसिमल्स जो है, तीन डेसिमल्स जो है वो हटाना चाहती हूँ। तो ये क्या आ गया, 3.07 ठीक है, इंटू 10^-3। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया है फॉर CH2FCOOH।